इसके बाद हारून है, हारून आप आ जाए जरा। अच्छा, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करवा दो और ये बता दो कि क्या दिखा रहे हो यहाँ बैठ कर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं दरअसन इंजामी करता हूँ दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम आलमी डिग्री मरकज़ में और लास्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। वैसे तो मैंने शुरू में सैलानी में आने से पहले कुछ वीडियोस देखी थी जो सर बोस ने कराई थी, जो सैलानी की तरफ से नेट पर डली हुई है। लेकिन अब मैं जब से सैलानी में आया हूँ तब से अभी तक सर इंजमाम का स्टूडेंट हूँ और उन्हीं से सीखे हूँ। जिस तरह सर इंजमाम जावास्क्रिप्ट में माहिर हैं, मेरा भी शौक है कि मैं जावास्क्रिप्ट में महारत हासिल करूँ। यूआई यूएक्स के तो भाई टेम्पलेट भी मिल जाते हैं गूगल पर बने बनाए, और मैंने इसी को ख्याल रखते हुए ई कॉमर्स की एक वेबसाइट बनाई है और जिसमें लॉगिन साइन अप का पेज जो बनाया वो थोड़ा बाद में बनाया। तो उसकी यूआई यूएक्स के लिए तो मैं थोड़ा सा माजरत चाहता हूँ आपसे, क्योंकि वो आपको ख़राब लगेगी। बाकी जो आगे की वेबसाइट है वो बिल्कुल कम्प्लीट है। सबसे पहले इसमें लोकल स्टोरेज का इस्तेमाल किया गया है। अभी तो हमने फायरबेस कंप्लीट नहीं की, जब फायरबेस कंप्लीट कर लेंगे तो इसमें फायरबेस ही लगा दी। के साथ ये लोकल स्टोरेज भी खोल दिया। जैसे मैंने साइन इन किया तो वो सारा डेटा यहाँ पर शो हो गया। अब मैं जब लॉगिन करूँगा तो मैं इसकी वैलिडेशन भी चेक करा देता हूँ आपको कि अगर मैं कोई और सी ईमेल डालता हूँ, मिसाल के तौर पर मैंने पहले ये ईमेल डाली थी, तो अगर मैं कोई और सी ईमेल डालता हूँ तो ये मुझे एरर दे देगा। तो ये उसने मुझे ऊपर एरर दे दिया। अब मैं वही ईमेल डालूंगा, या अब मैं पासवर्ड भी गलत डाल के चेक करता हूँ तो ये पासवर्ड में भी मुझे यही एरर देना चाहिए। लेकिन अभी टाइम कम है तो मैं वही वाला सही ईमेल डाल के दिखा देता हूँ। ये असल वेबसाइट आ गई है। इस वेबसाइट की यूआई आप खुद चेक कर सकते हैं, और इसमें मैंने थोड़े से एनिमेशन भी इस्तेमाल किए। वैसे तो ये यूट्यूब पर आपको भी मिल जाएगी, लेकिन इसका कोड कहीं भी नहीं मिलता, इसको खुद आपने बनाना पड़ेगा। और इसमें थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल होगी ये शॉप के पेज पर। जैसे अगर कोई यूज़र आके इसमें से किसी को भी क्लिक करता है और वो चाह रहा है कि मैं इसमें से किसी को सिलेक्ट करूँ, तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो इसने मुझे इस पेज पर ले आया, जैसा कि असल वेबसाइट में होता है। और इसमें मैंने यहाँ पर वो दिए हैं कि कोई सा भी आप सिलेक्ट करें, यहाँ पर नंबर भी डाल दें, और फिर एड टू कार्ड करेंगे तो फिर हम अपने कार्ड वाले पेज पर आ जाएंगे। ये कार्ड वाला पेज है, इसमें अगर कूपन वगैरह मिल जाते हैं वो डाल दें। और यहाँ पर जब हम सारी चीज़ें चेक करने के बाद हम इसको यस करते हैं तो ये हमें अलर्ट दिखा देते हैं। अब मैं एक और चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि जब मैं लॉग आउट करूँगा तो फिर ये मुझे इस वेबसाइट पर आने नहीं देगा, जैसा कि फेसबुक पर होता है। अब मैं अगर बैक भी करूँ, अपना बैक भी करूँगा तो ये रिफ्रेश करने पे फिर मुझे वापस असल वेबसाइट पे जाने। तो अब अगर मैं यहाँ पर वही वाला यूज़र का वो डालता हूँ जो मैंने पहले डाला था, वही ईमेल डालता हूँ जो मैंने पहले डाली हुई, तो ये वापस मुझे वही एरर दिखा देगा कि ईमेल ऑलरेडी आपको